In other news, a man was thrashed by a mob in Jaipur for committing thefts in a university campus. He had allegedly stolen several items, including cash and mobile phones, from the premises of NIMS University. He would then sell it in an open black market. The accused was stripped and tied to a pole before being beaten up by the mob. The entire incident was caught on camera. ये जो वीडियो है, विक्रम कुमार नाम का एक छोरा है जिसने चोरी किया है। 3 AC, 2 LED TV, 2 मोबाइल फोन, 7,000 रुपये नकद, फ्लैट से ले गया और वो मेरे पकड़ में आ गया। पुलिस के पास भी रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन पुलिस के पकड़ में आने से पहले वो 15 दिन बाद मेरे पकड़ में आ गया। मुझे ही सामान बेच रहा था। उसके बाद मैं उस बंदे के साथ जो किया वो आपके सामने है, और आगे भी कोई अगर ऐसा चोरी करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा। अगर कानून पहले कर लेती है तो ठीक है, नहीं करेगी तो युवा हम जैसे करेंगे जरूर।